मूवी की शुरू में हमें 5000 साल पहले का कांदाक राज्य दिखाया जाता है। यहाँ के राजा का नाम था राजा एक्टोन, जो कि काली शक्तियों को पाना चाहता था, वो शक्ति जो उसे हमेशा के लिए अमर बना दे, इतना ताकतवर बना दे कि कोई उसे हरा ना पाए, ताकि वो इस दुनिया पर हुकूमत कर सके। उसके लिए उसे एक ताज बनाना था, जो कि बनता है एक खास किस्म की धातु से, जिसका नाम था इटानियम, जो कि सिर्फ कांदाक में ही पाया जाता था। अब उस धातु को पाने के लिए राजा एक्टोन अपने प्रजा को ही गुलाम बना लेता है और उनसे खुदाई करवा रहा होता है, ताकि उसे वो इटानियम मिल सके। एक दिन ऐसा आता है, एक मजदूर को वो इटानियम मिल जाता है और वो उसे लेकर जाने लगता है। तब आसपास के लोग देख लेते हैं और देखते ही देखते उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तब हुरुत नाम का एक लड़का आगे आता है और उन सबसे कहता है, इस पत्थर को हमें राजा को दे देना चाहिए, जिससे हम सब इस गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे। अब वो पत्थर को लेकर एक सिपाही के पास जाते हैं और उसे वो इटानियम दे देते हैं। बदले में सिपाही उस गुलाम को जान से मार देता है। तब हुरुत सिपाही से वो पत्थर छीन लेता है और भागना लगता है। अब सभी मजदूर हुरुत के साथ होते हैं। जब राजा को यह सब पता चलता है, तब राजा हुरुत को मौत की सज़ा सुना देता है। राजा को लगता है हुरुत आगे जाकर खतरा बन सकता है। जब हुरुत को मारने लगते हैं, तब जादूगर हुरुत को अपने पास बुला लेते हैं और उसे जादुई शक्ति देते हैं, जिससे हुरुत सुपर हीरो बन जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं राजा का ताज भी अब बन चुका होता है। राजा अपने ताज को पहनने वाला होता है, तब हुरुत वहाँ पर आ जाता है और एक धमाके के साथ महल तबाह हो जाता है और राजा एक्टोन भी मर जाता है। अब हमें प्रेजेंट टाइम का कांदाक शहर दिखाया जाता है, जहाँ पर एक गैंग का कब्जा होता है, जिसका नाम इंटाकोम होता है, जो कि इलीगल तरीके से इटानियम की खुदाई कर रहे होते हैं। अब हम तीन लोगों को कार में जाते हुए देखते हैं, करीम, इस्माइल और समीर। साथ में एक लड़की भी होती है, जिसका नाम एड्रियाना होती है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है एड्रियाना अपने साथियों के साथ उस ताज को ढूंढ रही होती है, जो 5000 साल पहले राजा एक्टोन के साथ दफन हो गया था। एड्रियाना के पास वो ताज का एक टुकड़ा होता है, जिसकी मदद से एड्रियाना उस ताज को ढूंढ लेती है। अब तीनों एक गुफा के अंदर जाते हैं, जहाँ पर वो ताज होती है। एड्रियाना को वो ताज मिल जाती है, तब इंटरकॉम के लोग वहाँ पर आ जाते हैं। एड्रियाना को ताज देने के लिए कहते हैं, नहीं तो वो लोग करीम को मार देंगे, जो कि एड्रियाना का भाई होता है। एड्रियाना उन्हें ताज दे देती है। इंटरकॉम के लोग एड्रियाना को मारने से पहले अपनी आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं। तब एड्रियाना पत्थर के ऊपर पुरानी भाषाओं में कुछ लिखा हुआ देखती है। एड्रियाना उस पत्थर पर लिखा हुआ मंत्रों को पढ़ लेती है, जिससे ब्लैक एडम बाहर आ जाता है। इंटरकॉम के लोग ब्लैक एडम के ऊपर गोलियां चलाते हैं, लेकिन एडम के ऊपर गोलियों का कोई असर नहीं होता। एडम एक एक करके सबको मार देता है। ब्लैक एडम इतना ताकतवर होता है कि कोई उसके सामने टिक ही नहीं पा रहा था। फिर हम एड्रियाना को देखते हैं, चुपके से ताज को उठा लेती है और अपने भाई के साथ गुफा से बाहर आ जाती है। ब्लैक एडम भी सबको मार के बाहर आ जाता है। बाहर इंटरकॉम के और भी लोग आ जाते हैं और एडम से फायर करने लगते हैं। एडम वहाँ पर भी सबको मार देता है। फिर एड्रियाना को देखता है और उसके पास जाता है। फिर एक सोल्जर मिसाइल से एडम के ऊपर हमला करता है, जो मिसाइल इटानियम से बना हुआ था, जिससे एडम जख्मी हो जाता है। फिर वो उस सोल्जर को तो मार देता है, खुद भी बेहोश हो जाता है। यहाँ हमें मालूम पड़ता है इटानियम, जो कि ब्लैक एडम की कमजोरी है। अब एड्रियाना ब्लैक एडम को अपने साथ अपने घर ले जाती है। अगले सीन में हम इस्माइल को देखते हैं, जहां हमें पता चलता है इस्माइल ही इंटरकॉम का लीडर होता है, जो कि इस ताज को पाने के लिए ये सब करता है। अगले सीन में हम एक लेडी को देखते हैं, जो कि हॉकमैन से बात कर रही होती है। हॉकमैन भी एक सुपर हीरो होता है। वो लेडी हॉकमैन से ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए कहती है। हॉकमैन मान जाता है और अपने टीम के साथ निकल जाता है। अब यहाँ ब्लैक एडम को होश आ जाता है, जो कि एड्रियाना के घर में होता है। अब यहाँ एड्रियाना के बेटे को दिखाया जाता है, जिसका नाम एमोन होता है। एमोन ब्लैक एडम से कहता है, तुम ही हमारे हीरो हो और तुम ही इंटरकॉम के लोगों से हमें आज़ाद कराओगे। तब एडम कहता है, ये मेरा शहर नहीं है, 5000 साल पहले ये मेरा शहर हुआ करता था और मैं कोई हीरो नहीं हूँ। ये कह के एडम चला जाता है और शहर को देखने लगता है। तब इंटरकॉम के लोग फिर से आ जाते हैं और एमोन और एड्रियाना को पकड़ लेते हैं। एमोन जानता था कि ब्लैक एडम हमें बचाने के लिए ज़रूर आएगा, और होता भी ऐसा है। एडम आ जाता है और एक एक को मारने लगता है फिर से। अब हम देखते हैं हॉकमैन की टीम भी यहाँ पर आ जाती है
और सब मिलकर ब्लैक एडम के ऊपर अटैक कर देते हैं। ब्लैक एडम जो कि अकेला होता है और हॉकमैन की टीम में चार लोग होते हैं जिनके पास अलग अलग शक्तियाँ होती है। अब उनके बीच काफ़ी लंबी फाइट होती है, उसके बाद भी वो ब्लैक एडम को हरा नहीं पाते। फिर ब्लैक एडम यहाँ से चला जाता है और हॉकमैन की टीम एड्रियाना के पास जाते हैं और एडम को पकड़ने के लिए उसे मदद मांगते हैं। एड्रियाना मना कर देती है। तब हॉकमैन एड्रियाना से कहता है ब्लैक एडम कोई हीरो नहीं है। 5,000 साल पहले उसने सिर्फ अपने बदले के लिए पूरे शहर को जला दिया था। अब वो फिर से आ गया है, हमें उसे रोकना होगा और तुम हमें उससे मिलाओगी। एड्रियाना मान जाती है और उन्हें ब्लैक एडम के पास लेके जाती है। अब हॉकमैन ब्लैक एडम को सरेंडर करने के लिए कहता है, एडम मना कर देता है। अगले सीन में हम इस्माइल को देखते हैं जो एड्रियाना के घर में आता है और एमोन को गन दिखाकर वो ताज ले लेता है। तब करीम इस्माइल को पकड़ता है और एमोन को ताज लेकर भागने के लिए कहता है। एमोन भागते भागते अपने माँ को फ़ोन लगाता है और सब कुछ बता देता है। अब इस्माइल करीम को गोली मार देता है और एमोन के पीछे जाता है। एड्रियाना एमोन को बचाने के लिए ब्लैक एडम से हेल्प मांगती है। अब एडम उसे बचाने के लिए जाता है, हॉकमैन की टीम भी उसके साथ जाते हैं। अब एमोन को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर छुपा हुआ होता है और ताज को भी वहाँ पर छुपा देता है। तब एडम यहाँ पर आ जाता है और फिर से इंटरकॉम के लोगों को मारने लगता है। फिर इस्माइल चुपके से एमोन को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। यहाँ हॉकमैन इंटरकॉम के दो लोगों को पकड़ता है और इस्माइल का पता पूछता है, वो लोग नहीं बताते। फिर ब्लैक एडम इन दोनों को पकड़ के हवा में ले जाता है। फिर वो लोग डर के मारे इस्माइल का पता बता देते हैं। फिर एडम उन्हें हवा में छोड़ के आ जाता है। हॉकमैन इन दोनों को जाके बचा लेता है। फिर एडम से कहता है, तुम ऐसे ही किसी को नहीं मार सकते। फिर दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। जब हॉकमैन को पंच मार रहा होता है तो एक जगह पर जाके लगता है और एडम को चोट लग जाता है। तब हॉकमैन जाकर देखता है जहाँ पर वो ताज होता है जो कि एमोन ने छुपाई थी। अब एड्रियाना भी यहाँ पर आती है, अपने बेटे को बचाने के लिए एडम और हॉकमैन को साथ में काम करने के लिए कहती है। फिर दोनों मान जाते हैं। हॉकमैन हमले का प्लान बना रहा होता है, इस बीच एडम जाके हमला कर देता है। अब यहाँ इस्माइल जो कि एक इटानियम की शील्ड के पीछे होता है, इसलिए एडम वहाँ पर जा नहीं सकता। अब इस्माइल एड्रियाना से कहता है, मुझे वो ताज दे दो वरना मैं एमोन को मार दूंगा। एड्रियाना इस्माइल को वो ताज दे देती है। फिर इस्माइल एडम से कहता है, मैं राजा एक्टोन का आखिरी वारिस हूँ और इस ताज पर मेरा हक है। ये कहकर वो एमोन पर गोली चला देता है। फिर एडम अपने फुल स्पीड में जाकर एमोन को बचा लेता है और इस्माइल को भी मार देता है। फिर एडम यहाँ से बाहर आ जाता है। फिर वो हॉकमैन से कहता है, 5,000 साल पहले जादूगर ने जिस बच्चे को पावर्स दी थी वो मैं नहीं बल्कि वो मेरा बेटा था। वो तो चला गया था, फिर राजा एक्टोन के सिपाहियों ने मेरे बीबी को मार दिया था और मुझे भी मारने वाले थे। तब हुरुत यहाँ पर आता है और अपनी शक्तियाँ मुझे दे देता है ताकि मैं जिंदा रह सकूँ। तब राजा के सिपाही फिर से आते हैं और हम पे हमला कर देते हैं। मेरे पास शक्तियाँ थी इसलिए मैं बच जाता हूँ, लेकिन मेरा बेटा वहीं पर मारा जाता है। बदला में मैंने राजा और उसके साम्राज्य को ख़त्म कर दिया था। फिर जादूगर ने मुझसे वो शक्तियाँ छीन ली और मुझे हमेशा के लिए कैद कर दिया। एड्रियाना की वो मंत्र पढ़ने से मैं आज़ाद हुआ हूँ। मैं कोई हीरो नहीं हूँ, हीरो तो मेरा बेटा था। ये कह के वो खुद को सरेंडर कर देता है। अब हम देखते हैं वो शज़ाम कहता है और एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। फिर एडम को पानी के नीचे एक जगह पर रख दिया जाता है जहाँ से वो कभी बाहर ना आ सके। फिर हमें इस्माइल को दिखाया जाता है जो कि मर चुका होता है और जहन्नुम में होता है। इस्माइल को ये पहले से पता था, ताज की शक्तियों को पाने के लिए उसे वो ताज पहनकर ही मरना होगा, बाद उसके बाद उसे वो शक्तियाँ मिलेगी। अब वो जहन्नुम का सरदार सबाक बन जाता है। अब वो कांदाक शहर में वापस आ जाता है और तबाही शुरू करने लग। फिर हॉकमैन की टीम भी यहाँ पर आ जाते हैं और सबाक के साथ फाइट करने लग जाते हैं। सबाक इतना ज़्यादा ताकतवर था, हॉकमैन की टीम उसे रोक नहीं पा रहे थे। काफ़ी समय लड़ने के बाद लोग समझ जाते हैं कि वो लोग सबाक को अब रोक नहीं पाएंगे। एक ब्लैक एडम ही है जो उसे रोक सकता है। अब हम देखते हैं डॉक्टर फेड जो ब्लैक एडम के दिमाग पे जाते हैं और उसे बात करने लगते हैं। डॉक्टर फेड एडम को मदद करने के लिए कहते हैं। फिर डॉक्टर फेड ब्लैक एडम को बाहर आने में यहाँ से मदद करते हैं। इससे एडम पानी से बाहर आ जाता है और शज़ाम कहता है, जिससे वो अपने फॉर्म पे आ जाता है। इस बीच हम देखते हैं सबाक से फाइट करते हुए डॉक्टर फेड मारे जाते हैं। फिर सबाक जहन्नुम का दरवाज़ा खोल देता है। फिर जहन्नुम के शैतान दुनिया में आ जाते हैं।
एड्रियाना और करीम शैतानों से लड़ रहे होते हैं। डेमोन भी उनकी मदद कर रहा होता है। अब ब्लैक एडम भी यहाँ पर आ जाता है और सबाक से लड़ने लग जाता है। काफ़ी समय तक उन दोनों के बीच लड़ाई होती है। हॉकमैन भी एडम के साथ होता है। फिर हॉकमैन डॉक्टर फेट की हेलमेट की मैजिक को यूज़ करता है और सबाक को पकड़ लेता है। फिर एडम आके सबाक के दो टुकड़े कर देता है जिससे सबाक मर जाता है और सभी शैतान भी मर जाते हैं। अब हॉकमैन की टीम एडम को शुक्रिया अदा करके चले जाते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम उस लेडी को देखते हैं जो वीडियो कॉल के ज़रिए एडम से बात कर रही होती है। वो एडम से कहती है, तुम इस शहर से बाहर नहीं जाओगे। एडम कहता है, इस दुनिया में कोई नहीं है जो मुझे रोक सके। फिर वो कहती है, मैं किसी को जानती हूँ जो इस दुनिया का नहीं है। और फिर सुपरमैन की एंट्री होती है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।